वो कौन से अगर हम बर्बाद करने पाएंगे तो छोड़ेंगे नहीं, किसी भी देश को खत्म कर देंगे। एएमयू के अंदर जिस दिन 10% हमारे हिंदू भाइयों का एडमिशन हो जाएगा, जिस दिन आरक्षण मिल जाएगा, उस दिन इनकी सारी समस्या तुरंत खत्म कर दी जाएंगी। ये लोग देशद्रोही लोग हैं, ये देश के अंदर आतंकवादी की नसरी चला रहे हैं हमारे एएमयू के अंदर। इसलिए लागू होकर के रहेगा और देखते हैं कौन रोक लेता है। अगर हम बर्बाद करने पर आएंगे तो छोड़ेंगे नहीं किसी भी देश को, ये बात सुनकर आपके जहन में कैसे सवाल उठेंगे? ऐसा कहने वाले शख्स के बारे में आप क्या कहेंगे? और अगर आपको ये पता चल जाए कि बर्बादी वाली बात कहने वाला ये शख्स किसी खास कौम का है और उसने ये बात किसी खास जगह पर और खास मौके पर कही है, तब आप क्या कहेंगे? बर्बादी वाली कौम। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका R9 टीवी पर। दिन की बड़ी बहस लेकर हाजिर हूँ मैं, श्वेता भट्टाचार्य। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष फैजुल हसन ने CAA और NRC पर बोलते हुए विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम बर्बाद करने पर आएंगे तो किसी भी देश को नहीं छोड़ेंगे। फैजुल ने बयान पर माफी मांगने से भी इनकार कर दिया। हालांकि उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है, लेकिन फैजुल के बयान ने एक बार फिर हिंदू मुस्लिम के मुद्दों को हवा दे दी है। अपने बयान से आखिरकार क्या साबित करना चाहते हैं फैजुल? क्या फैजुल ने जो कहा वो सही था? और अगर ऐसा नहीं है तो माफी मांगने से उन्हें परहेज क्यों? इन तमाम सवालों के जवाब हम तलाशेंगे अगले एक घंटे में। गेस्ट पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले चलिए ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखना है दुनिया में कहीं तो हिंदुस्तानी मुसलमानों का सब्र देखिए, क्या करते हैं 47 से बाद 2020 तक ये सब्र है जो मुसलमान करते हैं, कभी कोशिश नहीं किया कि हिंदुस्तान टूट जाए। बात अगर सिर्फ सब्र तक की ही सीमित रहती तो बवाल इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन अपने सब्र की कहानी बताते बताते एएमयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष फैजुल हसन ने मुल्क की बर्बादी की बात तक कह डाली। सब्र देखना है दुनिया में कहीं तो हिंदुस्तानी मुसलमानों का सब्र देखिए, क्या करते 47 से बाद 2020 तक ये सब्र है जो मुसलमान करते, कभी कोशिश नहीं किया कि हिंदुस्तान टूट जाए, वरना रोक नहीं पाएंगे। हम वो कौन से अगर हम बर्बाद करने पाएंगे तो छोड़ेंगे नहीं, किसी भी देश को खत्म कर देंगे, इतना गुस्सा है। बर्बादी का बयान फैजुल हसन ने उसी यूनिवर्सिटी में दिया जो CAA और NRC के खिलाफ आवाज उठाकर बदनाम हो चुकी है। अब फैजुल हसन तो बोल गए, लेकिन जब लगा कि बयान जब गले का कांटा बन जाएगा तो सफाई भी देनी पड़ी। हिंदुस्तान के वो बाशिंदे हैं हम लोग, कि हम लोग अगर आगे आ गए और मोहब्बत हमारी हमारी मोहब्बत में अभी भी कमी नहीं है, अपने देश के लिए हमें अपने सरकार पे कमी नहीं है मोहब्बत, लेकिन वो कम से कम दिखाएं, नफरत ना बोए, बंटवारा ना करें। कोई भी देश अगर हमला करता है तो सबसे पहले शील्ड मुसलमान बन जाएगा। सफाई तो दे दी, लेकिन बहुत देर कर दी सफाई देते देते। फैजुल के बोलने के बाद बयान बवाल में बदल चुका था, सवाल उठने लगे थे और जवाब देने के लिए आए बयान बहादुर भी ऐसे गजब के कि इस मुद्दे में ही हिंदू मुस्लिम शुरू कर दिया। एएमयू के अंदर जिस दिन 10% हमारे हिंदू भाइयों का एडमिशन हो जाएगा, जिस दिन आरक्षण मिल जाएगा, उस दिन इनकी सारी समस्या तुरंत खत्म कर दी जाएंगी। जिस प्रकार से हमने मन्नानवादी की समस्या खत्म कर दी, जिस प्रकार से अफजल की समस्या खत्म कर दी, उसी प्रकार से इन फैजुल हसन की भी समस्या खत्म कर दी जाएगी। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन इसके अंदर आरक्षण मिल जाएगा एएमयू के अंदर 10% भी, उस दिन इनका भी सफाया हो जाएगा। कमी नहीं है बयान बहादुरों की, एक ढूंढो 10 मिल जाएंगे। एक जनाब मुल्क बर्बाद करने की बात कहते हैं और दूसरे साहब हिंदुओं की ताकत बताते हैं, और इस सब के बीच पिसती है वो कौम जिसके नाम पर 70 वर्षों तक सबने सियासत की। अब क्या पता कौन पूछेगा वो कौम क्या चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। सियासत तो सब करते हैं, लेकिन वाकई में सवाल उठता है कि आखिरकार कौम क्या चाहती है, ये कौन पूछेगा कि आखिरकार जनता देश की क्या चाहती है। ऐसे में R9 टीवी के कुछ सवाल हैं, उन सवालों को आपके सामने रख रही हूं। अपने बयान से क्या साबित करना चाहते हैं फैजुल? क्या फैजुल का बयान पूरी कौम पर सवाल नहीं खड़े करता? सियासत चमकाने के लिए मुसलमानों की बदनामी क्यों की जा रही है? हर मामले को हिंदू मुस्लिम से जोड़कर क्यों देखा जाता है? ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे। गेस्ट पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, गेस्ट पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। लेकिन जिस तरह से विवादित बयान
फैजुल ने दिया, और ये विवादित बयान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब आप पूरा बयान सुनेंगे तो पहले उन्होंने अब सब्र की बात कही है कि अगर मुसलमानों का सब्र देखना है तो हिंदुस्तान के मुसलमानों का देखो, 1947 से लेकर 2020 की बात की है। हम हिंदुस्तान को टूटने नहीं देना चाहते, इसलिए हमने सब्र रखा है। और बोलते बोलते विवादित कैसे हो गया ये बयान, बोलते बोलते वो ये कह गए कि अगर हमने सब्र नहीं रखा होता या हम अपने आप पर आ जाएं तो हम ये कर देंगे। यहाँ से बयान ने यू टर्न ले लिया, देखने वाले लोग अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। अब कई बार होता है कि आप आवेश में होते हैं, आप शायद सही बातों को रखना चाहते हैं लेकिन वो मौका वैसा नहीं होता है। आप बात सही भी अगर कह रहे हैं लेकिन वो बात गलत तरीके से पेश हो जाती है। अब कह रहे हैं फैजुल कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, FIR दर्ज कर ली गई है। देखिए सियासत कैसे होती है, बयान एक सामने आया विवादित बयान, लेकिन अब इस पर हिंदू मुस्लिम, इस पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। हमारे साथ गेस्ट पैनल मौजूद हैं, चलिए इंट्रोड्यूस कराती हूँ। बीजेपी के लीडर देवेंद्र प्रमुख हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सुनील कौशिक हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, संजीव चौधरी सपा के लीडर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, संजीव कौशिक एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट आज हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं, विश्वेंद्र कुमार वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और मुस्लिम स्कॉलर फजील अहमद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के लीडर और बसपा के लीडर हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। सबसे पहले तो फजील अहमद आपके पास ही आऊंगी, ये पूरा बयान आपने सुना होगा, कैसे लेते हैं सर? देखिए बयान एक आम इंसान अगर सुने तो उसे कैसे लेगा, और इस बयान से आप क्या समझते हैं, क्या ये विवादित बयान है नहीं है, क्या सोच है आपकी? देखिए श्वेता जी, जब आप इस तरह के विवादित बयान पर डिबेट कराएंगे तो बयान तो विवादित होना ही है। जब देखिए मीडिया हाइप नहीं मिलती, राजनीति की एक प्रॉब्लम है कि जब जो आदमी राजनीति में रहता है वो चाहता है कि हम चर्चा में बने रहे, जब उसके कुछ पॉजिटिव कार्य नहीं होते, उसके पास कोई प्रोग्राम नहीं होता, अपने जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता, तो वह इस तरह के बयान दे करके अपने जीवन में आ जाता है। वो एक्स प्रेसिडेंट हैं, पढ़ाई किए नहीं किए, टिकट मांग रहे थे लोकसभा का नहीं मिला, जिस पार्टी की वफादारी करते वो भी उनको नहीं पूछी, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में है, वो फ्रस्ट्रेशन में बोलते बोलते क्या बोलगा, अरे भाई पूरी कौम तुम्ही से नहीं चलती है ना, हमसे नहीं चलती है ना, आवाम पूरे देश के लोग रहते हैं, सबकी अपनी अलग समस्या है, सबको चुनाव नहीं लड़ना है, सबको टिकट नहीं लेना है। आम इंसान से मैं इस बयान से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, और इसका भारत के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं, ये उनकी अपना फ्रस्ट्रेशन है। और मैं उनको भी कहता हूँ, अच्छी राय दे रहा हूँ कि मेंटल डॉक्टर से चेकअप कराए अपना, इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है और इतना ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है। ठीक है कभी कभी ऑब्स्टिकल रास्ते में आते हैं, उससे इंसान संघर्ष करके आगे बढ़ता है, हर जगह विरोध होता है, हर जगह कार्यक्रम चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है, और हम उनके बयान से बिल्कुल सैटिस्फाइड। ये जिम्मेदारी हर किसी की बनती है कि आप अपने कुछ ऐसे बयान आप कोट ना कर दे जिससे पूरी कौम पर बात आ जाए, क्योंकि ये आपकी अपनी पर्सनल सोच हो सकती है। उनका पर्सनल है ना, वो कौम के वो रहनुमा नहीं है ना, वो लीडर है ना, उनकी कोई पार्टी है ना, वो कोई जिम्मेदार आदमी है, वो एक स्टूडेंट है बस, और कुछ नहीं, वो भी पूर्व अध्यक्ष हैं, संजीव जो भी है वो एक कॉलेज की अपने स्टूडेंट हैं। कैसे लेते हैं बयान को, क्या साबित करना चाहते हैं, पहले तो बताइए बयान आपको डाइजेस्ट हो रहा है या फिर आपको लगता है सियासत हो रही है? देखिए देश के खिलाफ कोई भी बयान, कोई भी बिरादरी, कोई भी जाति यदि देश के खिलाफ बोलता है तो बिल्कुल गलत है, उस पर तुरंत मुकदमा होना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई, जो अभी पता लगा है कि मुकदमा हुआ है, मुकदमा सही हुआ है, वो उनका अपना व्यक्तिगत बयान है, एक पूरे कौम को आदमी नहीं लेके चल सकता, क्योंकि वो अब एक स्टूडेंट है ना, कोई पॉलिटिकल कोई कैरियर है, वो आगे बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, लेकिन देश को तोड़ने वाली बात किसी भी को भी नहीं करनी चाहिए, इतनी तो समझ, चाहे वो छात्र भी रहे हो तो छात्र को भी इतनी समझ तो आ ही जाती है कि जहां देश के टूटने की बात होती हो वो ऐसी बातें अपने देश में नहीं करनी चाहिए। हम सबका देश है, ये हिंदुओं का देश है, ये मुसलमानों का देश है, सभी बिरादरियों का ये देश है, तो कोई तोड़ने वाली बात तो करनी ही नहीं चाहिए। कि नेता बनना है तुम्हें, वो नेता बनने की अलग बहुत सारी जमीन अलग होती हैं, तैयार हो जाती हैं, वहाँ से बन के निकलते हैं, काम करते हैं, काम करोगे तो नेता बन ही जाओगे, इस तरीके से सब समझते हैं, आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है, इस तरीके के लोग जो करते हैं वो सब लोगों को गुमराह करते हैं। देवेंद्र प्रमुख, देखिए श्वेता जी, इसमें स्पष्ट हो चुका है कि अभी हमारे दो जो साथी बोले उन्होंने बड़े अच्छे से अपना पीछा छुटा लिया, इसमें ये पीछा नहीं छुटाया, छुटा लिया, पीछा नहीं छुटाया, नहीं नहीं नहीं, अरे जेएनयू में जो कर रहे थे वो कौन लोग, पीछा नहीं छुटाया, अरे निकल के हमारी आर्य मानसिकता निकल नहीं हो सकते प्रमुख साहब, अरे मुसलमान की क्या बात है इसमें, सुनिए सारे मुस्लिम आ गए, अगर सामने नहीं हो सकते आपने कैसे कह दिया पीछा निकाल लिया,
सारे मुसलमान कैसे दोषी हो सकते हैं? संजीव चौधरी बयान देना चाहिए। संजीव मौका दूंगी संजीव एक मिनट, देवेंद्र जी मौका दूंगी हो गया संजीव जी, एक मिनट। देखिए आपने अपनी बात कही ना, ठीक है, मैं काउंटर करने के लिए दूंगी मौका। चलिए देवेंद्र जी, मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूँ सुमिता जी कि जो इस देश में आज हालात हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, ये सब प्री प्लान है। ये लोगों की, इन लोगों की मानसिकता है, ये सरकार के विकास से, सरकार की नीतियों से लड़ नहीं पा रहे, इस तरीके से यूज कर रहे हैं इसे कुछ लोगों को, चाहे वो JNU हो, चाहे वो ये यूनिवर्सिटी हो, चाहे आज का ये जो छात्र संघ का आपका नेता है, ये हो, ये बेमतलब के स्टूडेंट बन रहे हैं। आप स्टूडेंट नहीं है, ये 40+ इयर्स के लोग हैं जो JNU में बैठकर और ऐसी जगह बैठकर कोई धंधे को चला रहे हैं, जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आपकी फेलियर सरकार है, आप स्वीकार कीजिए, सरकार फेल हुई है। संजीव जी प्लीज प्लीज एक एक करके कमेंट कर दीजिए। देखना आने वाले समय में आप जो विरोध करने वाले मात्र 1% हमने विरोध नहीं किया। नहीं आप ये कह रहे हैं ना देवेंद्र जी, एक मिनट समर्थन कर रहे हैं। नहीं आप ये कह रहे हैं देवेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि सियासत हो रही है इसके पीछे, ये सोची समझी साजिश है आपका, ये कहना है ना। सुनील कौशिक, आपने बयान भी सुना सर, और उसके बाद आपने देखा कि दो पहले जो कमेंट्स आए वो कैसे थे, और फिर देवेंद्र प्रमुख ने जो बातें कही, कुल मिलाकर सर क्या लगता है ये जो कौम को लेकर बात कह दी गई, और वाकई में ऐसा मेरा अपना मानना है कि आप इंडिविजुअल के तौर पर अपनी कुछ सोच को सामने रख सकते हैं, लेकिन उससे अगर पूरी कौम पर बात आती है तो कहीं ना कहीं तो या तो सियासत हो रही है या सियासत चमकाने की कोशिश, आपको क्या लगता है? जिस कौम की वो बात कर रहे हैं उस कौम के वो रहनुमा नहीं है, कोई बहुत बड़े लीडर नहीं है, कोई बहुत बड़े राजनीतिक दल के वो नेता नहीं है कि जिससे कि उनके इशारे पर कौम चलेगी, लेकिन निश्चित तौर से उन्होंने एक इशारा करने का प्रयास किया है। ये आखिर में सोच आई कहाँ से, ये एक जांच का विषय है कि आखिर में उनके पीछे है कौन, क्या वास्तव में AMU में यही पढ़ाया जाता है कि जो व्यक्ति AMU का छात्र संघ का पूर्व अध्यक्ष रहा हो उसके बाद ऐसी बयानबाजी की है तो आखिर में उसके कोई ना कोई कारण जरूर रहे होंगे। ये सरकार, आज मुकदमा दर्ज हुआ है, सरकार को निश्चित तौर से बहुत गहन स्तर से जांच करनी चाहिए कि इनके पीछे कौन है और कौन सी सोच वाले लोग हैं जो इनके पीछे इनके इरादों पर काम कर रहे हैं। सुनील कौशिक, आप इत्तफाक रखते हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि बातों में आकर के कह दिया, जो इतने बड़े यूनिवर्सिटी का या छात्र संघ का अध्यक्ष रहा है तो आप उसको बच्चा नहीं कह सकते, या ऐसा नहीं कह सकते कि उसमें बहुत अकल नहीं है। यदि ये बयान कहीं ना कहीं से निकल के आया है, और ये AMU में कुछ सालों से क्या चल रहा है ये पूरा देश देख रहा है, JNU में, AMU में या कहीं और जाकर के देखें, तो निश्चित तौर से मैं कहना चाहूंगा कि कोई ना कोई ऐसे तत्व जरूर हैं जो देश के खिलाफ डराने का काम कर रहे हैं। जब सवाल उठते हैं यूनिवर्सिटी पे, विश्वेंद्र जी, जब यूनिवर्सिटीज पे सवाल उठने लगते हैं, चाहे वो JNU हो, जामिया हो, अब AMU की बात हम कर रहे हैं, जिन्ना की तस्वीर, BHU की भी बात कर लूंगी सर, अभी क्योंकि AMU का मुद्दा डिस्कस कर रही हूँ, मैं भटकूंगी नहीं। विश्वेंद्र जी, जिन्ना की तस्वीर हो, पोस्टर को लेकर हो, या फिर वाणी की याद में शोक सभा, हर तरह में ऐसे देखा गया है कि देश विरोधी जो चीजें हैं वो गतिविधियां की जाती हैं, तो क्यों सवाल नहीं उठे आप पर, क्यों आपके ऊपर सवाल ना खड़े हो, या फिर इसके पीछे की मंशा होती है कि सीधे तौर पर आपको राजनीतिक रोटियां सेकनी है, आपको फुटेज नहीं मिल रहा, आपको फुटेज चाहिए। श्वेता जी, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, आज से एक दिन बाद देश राष्ट्रीय पर्व मना रहा होगा जी, आज खुशी शुरू हो चुकी है, और आज विशेष बात है 24 जनवरी आज उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी है जी, कई मायनों में आज का दिन महत्वपूर्ण है। जैसे मैं याद दिलाऊं यहाँ पे, आज की 24 जनवरी को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश को मिले थे, और जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गान भी आज के दिन लागू हुआ था। यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये इससे इसलिए जुड़ती है कि बहुत दुखद है, इतना गंभीर मामला है, क्या मैसेज देना चाहते हैं पिछले सरकारें चाहे आज की सरकारें हो, उन्हें सख्ती से कदम उठाने ही चाहिए, और इसमें बहुत
अच्छी से गहराई से जांच हो, जांच होने के बाद पूरा प्लान के साथ जो पूरा प्लान के साथ उन्होंने बोला है, चाहे आपने यूनिवर्सिटी की बात की, पूरी प्लान के साथ उसने बोला है और देश हित में नहीं है, इससे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसे पूरे एक्शन होना चाहिए, गंभीरता से एक्शन होना चाहिए, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो जिनके नाम आपने लिए, मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। लेकिन आज उन सभी यूनिवर्सिटियों में बहुत दुखद विषय है, ये नहीं होना चाहिए था और इस पर सख्ताई होनी चाहिए। सरकार की कमी होगी अगर इस पर यह मुकदमा जैसे सुना है अभी दायर किया है उस पर एक्शन अच्छा और पूरी जांच करें पीछे तक का क्या मामला है, अन्यथा कल फिर ये चीज आएगी, ये देश के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। संजीव कौशिक जी, कैसे लेते हैं इस बयान को? अगर अगर इसके दो पक्ष हो सकते हैं सर, पूरा बयान आपने सुना है जी। सुना है तो सर पूरा बयान, कई बार ऐसा होता है हम आवेश में कुछ कह बैठते हैं लेकिन फिर शायद हमें रियलाइज होता है कि हमने कुछ ऐसी बात कह दी जो शायद विवादित हो और हम हमारा कहने का मंशा ये नहीं था, तो हम कई बार उसको कंडेम कर देते हैं, माफी मांग लेते हैं, लेकिन माफी नहीं मांगा गया। अब इस बयान को कैसे लिया जाए? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि जब आप बात बात में हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान की बात करेंगे और हर एक लाइन के बाद में वैसे लोग जो आपकी मुखालफत करते हों उन्हें बात बात में पाकिस्तान भेज देने की बात करेंगी, तो ऐसे स्वर भी आपको सुनने पड़ेंगे। जब आप उन्हें अपना नहीं मानते हैं, अपना नहीं सजो के रखना चाहते हैं और उसके अगेंस्ट में ही लगातार आप छक्के चौके लगाए चले जा रहे हैं, कैसे उम्मीद कर लेंगे कि वो बैठ के आपके बारे में अच्छी बातें करें? अगर कोई आपको चोर कह रहा है तो आप ये कहेंगे? दूसरी चीज इसकी अगली करी कि भारत कोई मिट्टी का घरौदा नहीं है कि एक दो ऐसे स्टेटमेंट से टूट जाने वाला है जिसकी कोई हैसियत नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये कि इस पर चर्चा करके हम उस आदमी को पॉपुलर कर रहे हैं। वो आज समझ रहा होगा कि उसकी अहमियत अचानक बढ़ गई है। वो जहां वो इसके बातों के वजह से उसे शर्मिंदगी झेलनी पड़ती, आज उसे लग रहा होगा कि हम सेलिब्रिटी बन गए, हमारे बातों पर बड़े बड़े चैनल पर चर्चा हो रही है। ये फायदे उठाने की कोशिश करी जा रही है, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से हम उसके जाल में फंस जा रहे हैं। हम यदि इग्नोर कर देते उसके बातों को, कोई अहमियत नहीं देते, तो शायद दोबारा ये गलती नहीं करता। लेकिन यहाँ पे इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि चर्चा तभी होती है सर, देखिए कि किस तरीके से उसके बाद बयान के जो बात बयान आते हैं, बयान के बाद बयान आते हैं, मैं एक एक बयान अगर गिना दूं, क्योंकि मैं आऊंगी जब डिबेट में मैं क्रॉस करूंगी तो मैं आऊंगी कि ऐसे ऐसे बीजेपी के लीडर्स ने बयान दिया, यही मैं कहना चाह रहा था, गोली मारवाने की बात, यही मैं कहना चाह रहा था कि जब इस तरह की बात आप करेंगे, खुद करेंगे, बड़े भाई होने के नाते या एक बड़े कौम होने के नाते या एक बड़े समुदाय से आने वाले होने के नाते, आप यदि अपने आप को यदि बड़ा मजबूत पेश करना चाहते हैं तो आप पहले सहृदय आपको बनना पड़ेगा। आप बात बात में यदि उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएंगे, अभी आप हमें बता दीजिए कि पिछले 6 सालों से जो सरकार है यहाँ, कितने देशद्रोहियों को वो जेल में भेज दी या पाकिस्तान भेज दी? नहीं भेजी, कोई सरोकार नहीं है, एक नैरेटिव बना दिया गया, टुकड़े टुकड़े गैंग, कोई टुकड़े टुकड़े गैंग है, किसी से पूछ लीजिए कौन है उसका मुखिया, कौन आगे है, एक बना दी गई कि टुकड़े टुकड़े गैंग। जब आपके विरोध में कोई बात करता है, छात्रों के हित में बात करता है, सरकार के विरोध में बात करता है, तो टुकड़े टुकड़े गैंग। अरे किसी की हिम्मत नहीं है कि हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दे, चंद लोग ये सिरफिरे लोग हैं जो कभी कभी कुछ बयान दे देते हैं। एक ये जो चीज चल गई है कि हम कुछ अलग हटके बोलेंगे चाहे वो देश विरोधी क्यों ना हो, हमें लाइमलाइट मिल जाएगा निश्चित तौर पर, कोशिश यही है। अगर बड़े बड़े लीडर उसको तवज्जो देने लगे, कोशिश लेकर जब हिंदुस्तान में हलवा हिंदू का हो जाएगा और मिर्ची मुसलमान का हो जाएगा या फिर पोहा मुसलमान का हो जाएगा, रंग में भी तो यही होगा और जानबूझ करके। केसरिया और हरे में भी सर, अभी हम राष्ट्र पर्व मनाएंगे कह रहे थे सर, और वाकई में राष्ट्र पर्व में जब तिरंगा लहराता है तो ऐसे शान से छाती चौड़ी होती है, लेकिन उसमें वो रंग भी होता है जो एक कौम को दे दिया गया है, वो रंग भी होता है जो एक कौम मानता है ये हमारा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि यदि कोई आपका अपना भाई, आपके ही कौम का आदमी यदि भटका हुआ है, उसे समझ में नहीं आ रहा है, उसे लग रहा है कि सरकार हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है, तो सरकार एक बार भी पहल क्यों नहीं कर रही है? सबसे बड़ी बात यही है कि वो कोशिश भी नहीं कर रही है कि बैठ के समझाएं, बात करें कि नहीं आपकी नाराजगी गलत है, आप बेवजह खफा है हमसे, हम आपके अपने हैं। इस बयान को लेकर आप क्या कहेंगे और क्या इत्तेफाक रखते हैं जो अभी कहा? आज बहुत सुंदर दिन है, यूपी स्थापना दिवस के अवसर पर हम सब बैठे हैं जी। यूपी के सभी लोगों को पूरे देश की तरफ से और यूपी की तरफ से बधाई। देखिए, सवाल ये है, बहुत अच्छा समय है, प्रासंगिक विषय है, आपने सही हमारे साथी ने कहा, एक तरीके से वो उतने चर्चा के केंद्र में नहीं है,
इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, बयान इस तरीके की संस्कृति कैसे बनती है, पोषित कहाँ से होते हैं, जब चुनी हुई सरकार के पास ना नीति ना नियत ना नैतिकता का अभाव रहता है, वो उसकी मूल संस्कृति ये रहती है कि किस प्रकार से उन्मादी माहौल बना के आपसी भाईचारा जो हमारी भारत की विशिष्ट पहचान है उसको तार तार करने का काम किया जाए। इनके राष्ट्रीय महासचिव जो कि मोदी और अमित शाह जी के प्रिय हैं, जो इंदौर शहर को जलाने की बात करते हैं, अपने लड़के से सरकारी अधिकारियों को बैट से मारने की बात करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, बंगाल के इनके अध्यक्ष कहते हैं अगर कानून नहीं मानोगे तो गोली मारने का काम किया जाएगा, आज फिर उससे पेट नहीं भरा, आज उन्होंने फिर कहा हम खाने के स्टाइल से पहचान जाते हैं हिंदुस्तानी है बांग्लादेशी है। देखिए जब इस तरीके की लोग कैसे लोकतंत्र हमारा बचेगा, कैसे हम पॉलिटिकल डिस्कोर्स की तरफ बेहतरी से आगे बढ़ेंगे, 21वीं सदी के भारत सब विशिष्ट शिष्टता हमारी जो पहचान है हम उसके कैसे साथ न्याय कर पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ी बड़ी बातें करके बड़े बड़े झूठ बड़े बड़े जुमले बेचने का काम किया था, बेशर्मी की इंतहा हो गई, कहां गई इनकी नीति, कहां गई इनकी नैतिकता, कहां गया इनका संविधान, और जब कोई सवाल सवाल नहीं पूछा आपने पूरा पूरा बयान सुना है, इसको ऊर्जा ऐसे ही लोग सुना है, नहीं नहीं आप कंडेम करते हैं बयान का, आप बयान का कंडेम करते हैं, विनोद जी आप बयान को कंडेम करते हैं, नहीं बयान को कंडेम करते हैं, ऊर्जा कहां से मिली, कहां से लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं ये एक अलग मैटर, लेकिन बयान को कंडेम करते हैं, विनोद जी बयान को कंडेम करते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा कोई भी बयान जो विवादास्पद हो कैसे चलिए इसके पीछे की सियासत हम समझेंगे। धर्मवीर चौधरी, धर्मवीर चौधरी, धर्मवीर चौधरी, क्या माहौल आज ऐसा बना दिया गया है कि आप बार 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 एक ही बात किसी को, एक मिनट देवेंद्र जी मैं आपके पास अभी नहीं आई हूँ, एक मिनट मौका दूंगी, बहुत सवाल आज आपसे हैं, एक मिनट। धर्मवीर चौधरी, धर्मवीर चौधरी, क्या माहौल ऐसा बन गया है कि लोग कहना कुछ चाहते हैं और आवेश में वो कुछ और कह बैठते हैं जो कि सरासर गलत है, हम सपोर्ट नहीं कर सकते। धर्मवीर चौधरी आप सरकार है, पूरी शक्ति है, धर्मवीर चौधरी भी जरूरी है, सरकार और दूध भी पीते हैं, पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, पानी बीमार आदमी पीते हो गया सर। चलिए जो संवैधानिक लोग इस डिबेट में बैठे हुए हैं अब आप एक और निकाल दीजिए, अब धर्मवीर जी आप एक और बयान ना दे दीजिए, अपनी बात रखिए सर, ऐसे ऐसे मौके ढूंढते रहते हैं हमारे पैनलिस्ट, देश के कानून का संविधान से वो डेविड का नाम निकाल करिए, आपका तो तमीज ही नहीं है बात करने की, आपको माफी मांगनी चाहिए, मैंने बोला तो जो इस डिबेट को हैक कर रहे हैं और नहीं धर्मवीर चौधरी, धर्मवीर चौधरी आप पॉइंट पे बोलिए ना सर। मैं देखिए श्वेता जी ऐसा है, इस देश को 70 साल हो गए आजादी के और आपको इस देश के 70 साल के जो एक भाईचारा था और इस देश के साथ 70 सालों में इस देश की जनता ने क्या क्या और अंग्रेजों के समय क्या क्या सहा, आपको उस थोड़े पीछे परिप्रेक्ष्य में जाना पड़ेगा। 1925 कैसे जोड़ेंगे सर, 1900 मैं बता रहा हूं, ये जो एक विचारधारा है, एक कांग्रेस की विचारधारा इस देश के अंदर और एक गोडसे और सावरकर की विचारधारा है, कांग्रेस की विचारधारा अलग, उन्होंने एक धर्म के आधार पर इस देश का विभाजन किया, वो कांग्रेस वालों ने किया, वो कौन से कांग्रेस के लोग थे, वो उन्होंने 1947 में देश को तोड़ा जाति और धर्म के आधार पर, बाबा साहब नहीं चाहते थे, और आज इस देश में एक अलग विचारधारा है, आज इस देश में एक अलग विचारधारा है जो गोडसे और सावरकर की विचारधारा है, वो देश में दूसरा विभाजन चाहते हैं, इस देश के भाईचारे को अगर किसी ने खोखला किया है तो वो कांग्रेस और आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने किया है, क्योंकि ये लोग देश के भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि देश बैठे हो, ये नहीं चाहते कि गौतम बुद्ध का
लोग, ये बीजेपी के लोग, ये कांग्रेस के लोग अपने भजन पैदा करते हैं और उनसे ऐसे बाढ़ समाज में चलवाते हैं जिससे समाज का भाईचारा खत्म हो। और ये नहीं चाहते कि देश का अमन चैन कायम हो। जब जब इस देश में चुनाव होंगे इस देश के लोग धर्मवीर चौधरी एक पॉइंट आपने बहुत अच्छी बोली। देवेंद्र प्रमुख एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, बोलने के लिए मत बोलिए सर, बोलने के लिए मत बोलिए। देवेंद्र प्रमुख, देवेंद्र प्रमुख, देवेंद्र प्रमुख एक पॉइंट बहुत अच्छी बोली। देवेंद्र प्रमुख बाहर करिए, देवेंद्र प्रमुख, देवेंद्र प्रमुख बाहर करिए, नहीं बहुत अच्छी बात कही, नहीं अब इसमें कुछ आधारे हैं, अपने अपने पॉइंट है, पूरा आपको चमकाने के लिए तमाम पार्टियां, तमाम पार्टियां आपको सियासी रोटी सेकने के लिए बस 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 कूल डाउन। देवेंद्र प्रमुख एक पॉइंट बोली और यहां विनोद जी भी बैठे हैं और तमाम पैनलिस्ट, देखिए मौका सबको दीजिए वरना जनता कुछ नहीं समझ पाएगी। ये तमाम एक मिनट धर्मवीर चौधरी, ये जो सियासत है ये हिंदू मुस्लिम इसी पर बेस्ड कब तक रहेगी सर, कब तक बेस्ड रहेगी, कब तक देश के हिंदू, कब तक देश के मुस्लिम खुद साबित करते रहेंगे कि हम इस देश के हैं और ये देश हमारा है। सियासत इसके इर्द गिर्द क्यों घूमती है, क्यों घूमती है, चाहे वो बीजेपी हो, वो कांग्रेस हो, तमाम बयान। एक मिनट धर्मवीर चौधरी, एक मिनट, मैं क्लियर करना चाहता हूं, पहले मैं एक मिनट, एक मिनट, मैंने सवाल पूछा है ना, मैंने सवाल पूछा सर, एक मिनट, मुझे जवाब आपसे भी चाहिए और विनोद जी से भी चाहिए, उसके बाद मैं तमाम पैनलिस्ट भी बैठे उनके पास जाऊंगी, तो प्लीज एक तो दूसरे की आवाजों को मत काटिए। नहीं नहीं, क्यों क्यों सुनने के लिए, आप बताइए सर, आपके यहाँ यूपी के सीएम कहते हैं जिंदा दफन कर दूंगा, मंत्री कहते हैं यूपी के जिंदा दफन कर दूंगा और पहचान लिए हम गोली मार देंगे, सुरेश अंगाड़ी कहते हैं कि जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए शूट एट साइट का ऑर्डर दे देना चाहिए, ये भड़काने वाले बयान नहीं है तो क्या है, मतलब कोई कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बचपना किया या शायद लैमलाइट में आने के लिए उसने कुछ कहा तो ऐसे बयान देंगे देवेंद्र प्रमुख कि गोली मार दो, देखते देखिए श्वेता जी मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, और कितनों को गोली मारा है सर बताइए मुझे, कितनों को गोली मारा आपने अभी तक, कल भी ओवैसी को मार दिया, कितनों को गोली मारेंगे, ये मुसलमानों को गोली मारेंगे, ये ओबीसी के लोगों को गोली मारेंगे, ये जो है आप क्या कर रहे हैं, आप भी सियासत कर रहे हैं, आप भी सियासत कर रहे हैं, आप बस समझते हैं तो आप दलितों की बात करेंगे, ओबीसी की बात करेंगे, आप सियासत नहीं कर रहे हैं। इनका जवाब दे दूं, इनका नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब, आप मेरे सवाल का जवाब है, नहीं ये कहते हैं और भी पैनलिस्ट बैठे हैं, राजनीति करते हैं, मैं धर्मवीर चौधरी से सवाल करना चाहता हूँ, फिर सवाल के बदले सवाल, ये कैसे करके आप सवाल का जवाब दीजिए, मोदी बच्चा से नहीं, आपके 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 लीडर जो पार्टी सत्ता में है समाज का नुकसान किया है और इस प्रदर्शन हो रहा है, जो है कपड़ों का खिलाफ धर्मवीर चौधरी सियासत तो आप भी कर रहे हैं, दिख रही है जनता को, इतना बेवकूफ मत समझिए सर, अंगूठा छाप ही सही लेकिन जनता बहुत अब समझने लगी है, ये देखिए जितना ये चेंज आपको दिख रहा है ना कि सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल, अब तो समझ जाइए, थोड़ा सा आप लोग समझ जाइए, ये ओबीसी, ये दलित और ये मुस्लिम और ये हिंदू कब तक करते रहेंगे, आप लोग मुद्दा नहीं है आप लोगों के पास, ये तो धर्मवीर चौधरी, देवेंद्र प्रमुख आपके लिए है सबसे पहले मेरा सवाल, सत्ता में बैठा पक्ष ऐसे 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 से कितनों को गोली मारी सर, मुझे बताइए कितनों को ऐसे बयान देने वाले को गोली मारी, तो क्यों आपके नेता बयान देते हैं, पूछ लीजिए उन्हें, नहीं आप बताइए मुझे कितनों को आपने गोली मारी, कितनों को जेल पहुंचाया, नहीं आपने कितनों को जेल पहुंचाया, मैं सुन रही हूँ ना सर, मैं बैठी हूँ, बताइए कितनों को आपने जेल पहुंचाया। देखिए हमारे बालियान जी का बयान था कल, उस पर डिबेट्स हुई और उसी का मैं हवाला देना चाहता हूँ, उन्होंने डिबेट्स की थी कि 10% वहां जेएनयू का मामला आया था एडमिशन का, दिल्ली जहां से वो बयान हुआ था वो एनसीआर का एरिया है, वो मेरठ से वो बयान हुआ था और बहुत बड़े मंच से हुआ था, लाखों आदमी थे, उनको एक टसन थी, जब जेएनयू में कुछ छात्रों के एंट्रेंस के बाद नंबर आए थे जो एबीपीपी से संबंधित थे, जब उनका एडमिशन हुआ तो वहां 50 लोगों ने उन पर हमला किया, उनके सर फोड़े, उनके साथ बदतमीजी की, उनके पेपर फाड़े, उन्हें एडमिशन से रोका,
तो इस जोश में माननीय बालियान जी ने कहा कि हम एनसीआर के लोग हैं, 10% हमें आप दीजिए वहां और 10% आरक्षण जोश में संजीव कौशिक जी, जोश जोश में संजीव बालियान का, क्योंकि खुद देवेंद्र प्रमुख ने कोट किया तो मैं यहां उठाऊंगी मुद्दा कि जोश जोश में वो ऐसा बोल गए क्योंकि उनके साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ। यही बात तो हम कह रहे हैं, जब आप बार बार उंगली करेंगे कि आपको बांग्लादेश भेज दो, आपको पाकिस्तान भेज दो, आपको ये कर दो, आपको वो कर दो, हमें बार बार प्रूफ करना पड़े कि हम इस देश के नागरिक हैं, ये देश हमारा है, तो क्या जोश जोश में ये बयान नहीं निकला? प्रूफ करने की भी जरूरत नहीं, ये खूब समझ रहे हैं, क्योंकि इनको भेजना ही नहीं है किसी को बाहर, ये केवल और केवल अपने ही मुल्क में रह करके हिंदू मुसलमान करके राजनीति करनी है। और ये सिर्फ बीजेपी ही नहीं कर रही है, ये तो सामने दिख रहा है सारी पार्टी, देश की जनता ये बात समझ रही है, भेजना ही नहीं है। भेजना है तो मैंने पूछा तो सही कि कितनों को भेज दिया, कितने को देशद्रोही के आरोप में आपने केस में अंदर कर दिया, कुछ नहीं करेंगे ये, कुछ नहीं। ये सबसे ज्यादा बेहतर, ये जो पिच है भारत पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान का, इनके लिए सबसे मुफीद पिच है ये। अभी दिल्ली में इलेक्शन होने वाले, केवल ये इन्हीं के लिए नहीं, तमाम पार्टियों के लिए है। आप दिल्ली में देख लीजिए ना, ये जा रहे हैं, यदि भारतीय जनता पार्टी, मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ कि ये यदि जा रहे हैं वोट के लिए, कौन सा एजेंडा लेके जा रहे हैं? आप देखिए इनके बड़े बड़े बैनर को, ये 370 पे मांग रहे हैं वोट, ये भारत पाकिस्तान के नाम पर मांग रहे हैं, ये CAA के नाम पे मांग रहे हैं। दिल्ली की जनता पूछ रही है कि भाई आप कीजिएगा क्या, ये तो बता दीजिए आप, लेकिन ये बताने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। ये केवल और केवल हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, ये क्या सत्ता पक्ष ही इस तरह की सियासत कर रही है या तमाम सियासी पार्टी इसमें इन्वॉल्व है, उन्हें ये मुद्दा नहीं है, कौम क्या चाहती है? दुखद ये है, दुखद ये है कि विपक्ष इस ट्रैप में फंस जा रहा है, हम लोग बैठ के इसी पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि हम लोग तो यहाँ पब्लिक हैं। अब देखिए चौधरी साहब इतना जोर से बोल रहे हैं, लेकिन CAA पर क्या मायावती ने साथ नहीं दिया बीजेपी का? नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे ये लोग, उसको नहीं पढ़ेंगे ये लोग, गुमराह करने का काम इसके अलावा कुछ है ही नहीं। उन सांसदों पे आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? पार्टी ये दोनों मिले हुए हैं बीजेपी से, बिल्कुल मिले हुए हैं। आप मेरी बात सुनिए, लोग समझते हैं मायावती ने कोई व्हिप जारी नहीं किया,
कि हम किसके साथ हैं। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का स्पष्ट मत है। अरे धर्मवीर जी पर्दा उठ रहा है, थोड़ा उठने तो दीजिए। अरे सर पर्दा उठने तो दीजिए, थोड़ा सा पर्दा उठने तो दीजिए सर, थोड़ा सा चेहरा तो नजर आए जनता को। सपा बसपा कांग्रेस और बीजेपी, जरा चेहरा तो नजर आने दीजिए सर। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इन दोनों ने पार्लियामेंट में बीजेपी का साथ देके इस बिल को पास कराया। क्या कहेंगे संजीव चौधरी? संजीव चौधरी बोलूंगा, बोलिए, आपका नाम लिया जा रहा है। सारे बिलों पर, सारी बिल पर पता नहीं रात को कौन सी डील इन लोगों को हो जाती है कि एक दिन पहले तो ये लोग विरोध करते हैं है। और कल अगर पार्लियामेंट बिल आ रहा है तो बहुजन समाज पार्टी दोनों मिल जाते हैं अंदर से, और फिर विरोध में भी मिल जाते हैं सर। पता ही नहीं चलता है। में भी हम अखिलेश यादव ने तो भाषण खिलाफ दिया और वोट उसको दे दिया। चौली दामन का साथ है। अरे सर बीजेपी बीएसपी जनता को सुनने को मिल रहा है। वाकई में काफी इंटरेस्टिंग है कि आप लोग आज वो इक्वेशंस बता रहे हैं जो शायद जनता नहीं जानती कि कांग्रेस और बीजेपी में। देवेंद्र जी आप कब से विनोद जी के साथ हो गए? ये साठगांठ जनता को भी जरा पता चले कि कांग्रेस और बीजेपी लगता है बारी बारी से अपनी सरकार चाहती है। 70 साल बीजेपी ने व्हिप जारी किया, इन्होंने जारी नहीं किया। अगर आपकी परमिशन हो तो एक मिनट संजीव चौधरी जवाब दे दे पहले। हां उनसे नहीं लिया आप। नहीं आप जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। आप पर आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों को बताइए। प्रोटेस्ट में तो बड़ा आ जाते हैं सर। मेरा प्रमुख साहब, आप आने दीजिए, आप बोले हो, मैं आज बोला नहीं हूं। चल मेरा सबसे निवेदन है कि किसी पे सब आप आरोप लगा रहे हो, दो मिनट मुझे भी सुन लें क्योंकि मैं आप लोगों को सुन ही रहा हूं तब से। सबसे पहले तो संजीव कौशिक जी ने जो बात रखी है, आप लोग यही नहीं केवल ये दर्शाना चाह रहे हो मैं बड़ा तू बड़ा, ये नहीं देखना चाह रहे कि इस देश के टुकड़े की बात हुई है। संजीव कौशिक जी ने जो कहा है शुरू से लास्ट तक मैं भरपूर समर्थन करता हूं। हर तरीके से इन्होंने जो कहा वो सच कहा है। मतलब आपकी पार्टी भी सियासत कर रही है आप मानते हैं? दूसरी मुझे बोलने दो। नहीं नहीं दूसरी बात, अभी हमारे भाई हमारे प्रवक्ता बोल रहे थे समाजवादी पार्टी को कटघरे में कर रहे थे। समाजवादी पार्टी ने कभी भी बीजेपी का साथ नहीं दिया, हमेशा बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, इन दंगाइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। नहीं बिल्कुल आप यहाँ समझ, आप बीजेपी के कहने पर बैठे हुए हैं। आप बिल्कुल बिल्कुल खिलाफ किया सर, हर जगह हम खिलाफ रहे हैं। दूसरी बात समाजवादी पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया को इस आंदोलन कार्य को तोड़ने की बात केवल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ऐसे ही चार पांच लोग ये बीजेपी वाले सुबह कोर्ट दिया, बीजेपी वाले बैठा देते हैं डिबिट पे ला करके कि किसी का कुछ नाम हो जाएगा, सब बीजेपी की चाल है। चलिए अब आपने अब आपने उन गेस्ट के ऊपर भी आरोप लगा दिए जो गेस्ट पैनल में बैठे हैं, जो अपनी बात कह रहे हैं। तो भाई सियासत कहां तक है? जनता डिसाइड कर लेगी। सुनील कौशिक भी तो वरिष्ठ पत्रकार के। सुनील कौशिक जी आप ही बोलिए सर, शायद आपकी बात भी मान ले। नहीं नहीं बिल्कुल संजीव कौशिक जी की बात से सहमत हूँ, लेकिन संजीव कौशिक ने सारे राजनीतिक दलों पे सवाल उठाया है। तमाम ये मुझे लगता है संजीव चौधरी को पता नहीं, सारे राजनीतिक दलों उसमें समाजवादी पार्टी भी है। और संजीव जी सुनिए, मतलब आप सुन लीजिए, अरे संजीव सुनो मुझे ये बताओ, समाजवादी पार्टी सीए का विरोध कर रही है। मुझे ये बताओ कहीं गिरफ्तार ना करने आपको। चलो बालियान जी के खिलाफ भी, अरे तो जमानत देना, हम तो जेल में जाना तैयार है। अरे भाई मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो चौधरी साहब ये कह रहा हूँ, चौधरी साहब सुनो, बोल लीजिए, बोलिए बालियान जी के खिलाफ, बोलिए, एक मिनट सोचा जी, बोलिए एक बार, योगी के खिलाफ भी बोलेंगे और मोदी करेंगे, मोदी के खिलाफ भी बोलेंगे और मुलायम सिंह के खिलाफ भी बोले थे, मायावती के खिलाफ भी बोले थे, किसके खिलाफ भी बोले थे, बिल्कुल हल्लावर भूल गए, हल्लावर भूल गए मीडिया का, मुलायम सिंह का हल्लावर भूल गए क्या? मुलायम सिंह का हल्लावर भूल गए, मुलायम सिंह का हल्लावर भूल गए। विनोद सिंह, फजील अहमद आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं? और मैं विनोद जी के पास, श्वेता मैं बात पूरी नहीं कर पाया हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सिर्फ
क्या समाजवादी पार्टी आप आप जी के ऊपर क्यों नहीं बोलते इनको? मैंने कहा विरोध किया मैंने, मैं कर रहा हूँ। संजीव बालियान ने जो बोला सुन लो, आप सुन लो, आप सुनो नहीं, संजीव बालियान संजीव बालियान ने जो बोला वो संविधान के खिलाफ बोला, वो ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए, ये बोल रहा हूँ मैं। अरे मैं कह रहा हूँ ना, संजीव बालियान ने बोला वो नहीं बोलना चाहिए, संदीप बालियान ने बोला वो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं संजीव चौधरी ये कह रहा हूँ कि सीए का आप विरोध कर रहे हैं कई मंचों से, आपके अध्यक्ष ने कई बार कहा, मुझे ये बता दो जब संसद में बिल लागू हुआ तो आपने वोटिंग में हिस्सा क्यों नहीं लिया? राज्यसभा में जब हुआ तो वोटिंग में हिस्सा क्यों नहीं लिया आपने? किस बात का जवाब दे दो आप? मैं बता रहा हूँ सर, आपकी हिम्मत अखिलेश यादव के ऊपर बोलने की नहीं है, आपकी हिम्मत योगी जी के ऊपर बोलने की नहीं है। सुन लीजिए, लोकतंत्र में सुनना भी चाहिए। अखिलेश यादव की बेटी सुनिए, अखिलेश यादव की बेटी हुसैनगंज चौराहे पर चली गई, अगले दिन अखिलेश यादव ने कहा कि भाई वो तो घूमने गई थी। अरे भाई इतना क्या तकलीफ होगी? किसने रात को आपको फोन करके डांट दिया कि आपने अपना बयान पलट दिया? अखिलेश यादव कह रहे कि हमारी बेटी तो घूमने गई थी, प्रोटेस्ट में नहीं गई थी। अरे इतना क्यों डर रहे भाई आप बीजेपी से? उनकी अपनी सोच है। अरे क्यों अपनी सोच है? अपनी सोच बात तो वहीं से शुरू हुई है संजीव चौधरी, अपनी सोच, किसी एक बंदे की अपनी सोच, की अपनी सोच पूरे कौम पर, पूरे कौम पर सवाल उठाती है। बर्बादी की कौम, बर्बादी की कौम। बस 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 एक मिनट, यही सवाल तो हम उठा रहे हैं कि बर्बादी की कौम। अगर अपनी सोच आप बोल रहे संजीव चौधरी कि ये उनकी अपनी सोच है, तो ये फैजूल की अपनी सोच थी। कौम कहां से बीच में आ गई? क्यों कौम को बीच में ला रहे हैं आप? कौम को बीच में क्यों ला रहे हो? नहीं, आप कह रहे हैं नहीं समर्थन नहीं कर रहे हैं। आप अभी अपने अध्यक्ष का तो समर्थन कर रहे हैं ना, आप अपने अध्यक्ष का समर्थन कर रहे हैं ना, आप अपने अध्यक्ष का तो समर्थन कर रहे हैं, आप अपने अध्यक्ष का तो समर्थन कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ सियासत मत कीजिए, सियासत मत कीजिए, कुछ नहीं करना, सियासत मत कीजिए। विश्वेंद्र, एक सवाल, एक सवाल, यदि इसकी अरेस्टिंग होती है जो आज एएमयू के राष्ट्र पूर्व सुन लो, समाजवादी पार्टी के साथ नहीं आएगी, ये गारंटी आप दे रहे हैं, ये आप गारंटी दे रहे हैं। सुनील जी को बहुत डर लगता है, अरे ये बोलते ही मैं ये कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी उसके साथ नहीं आएगी कि सपा बहुत उभर के आ रही है 2022 में, सरकार आ रही है, आपसे महसूस हो रहा है। चलिए 2022 के लिए अभी से फील्डिंग मत कीजिए, अभी से फील्डिंग मत कीजिए, अभी से फील्डिंग मत कीजिए। विश्वेंद्र जी लग गए आप, विश्वेंद्र जी क्या लगता है हर मुद्दे पर, हर मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, अब सिर्फ यही सियासत बच चुकी है क्या? बात करने को इतने मैटर हैं, इतने मुद्दे हैं, उन मुद्दों को विपक्ष का ना उठा पाना, या फिर अब बहुत ही इजी वे में लगता है कि देश की बात आगे कर दो और इस पर सियासत कर लो, आपको सियासी रोटियां सिक जाएंगी और आप अपना फायदा साध सकते हैं, और ये तमाम पार्टियों के लिए है। विश्वेंद्र जी क्या कहेंगे? श्वेता जी बहुत ही जरूरी है आज के हालातों में बात करना। पहली बात तो मैं इस पर बात करूँ, आपने रंगों की बात की थी, खूब बहती है देश में अमन की गंगा, बहने दो, खूब बहती है देश में अमन की गंगा, बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा, रहने दो, लाल हरे रंग में ना बांटो देश को, हमारे छत पे तिरंगा है, तिरंगा ही रहने दो। बहुत खास बात है कि अलीगढ़ जो यूनिवर्सिटी है उससे जो घटनाएं हुई है उसको तुरंत प्रभाव से मजबूती से एक्शन लेकर सभी पार्टियों को, दूसरी पार्टियाँ भी, उनको भी आना चाहिए और उस पर एक्शन लेना चाहिए मजबूत, सरकार को भी, विपक्ष भी साथ आए। इससे क्या होगा, ताकि वो जो गलत भावनाएं के माध्यम से देश में राजनीति करना चाहते हैं, कोई पार्टी हो या नेता बनना चाहते हैं, वो कमजोर होंगे अगर सभी पार्टियां और सत्ता मजबूती से कदम उठाएगी। तो सभी पार्टियों से पूछ लेते, यही बैठे विनोद जी, जी एक्शन होना चाहिए, आप भी मानते हैं? देखिए यही बैठे बीजेपी वाले, जरा रिक्वेस्ट कीजिए फिर। सरकार उसको महिमा मंडित करने के बजाय, सनसनी फैलाने के बजाय, जो भी इस तरीके के एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनको सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई करे। प्रॉमिस करिए, अरे बात तो सुन लीजिए, बात अरे सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, अपना काम आप करेंगे कि हम नहीं करेंगे? आपको मालूम ही नहीं है कि सरकार में रहने का क्या करना है? सरकार ने आपको अच्छी रेट नहीं चल रहे, सरकार ने तो यही जांच किया है कि आग लगाने वाले अब सोचते हैं कि पास की गाड़ी चलाने के बाद पैसा जमा करना पड़ेगा, ये काम सरकार
करती है, लेकिन आप जैसे लोग उनके आगे आकर धार रखते हैं और आतंकवाद को और ऐसी सोच को बदलने का काम इस देश में कर रहे हैं। आप एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप सारे चोर इकट्ठा है। मैं मंच के या चैनल के माध्यम से डिक्लेयर कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप सारे एक हैं और एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। ये कुछ नहीं होगा, चुकी है आपसे कुछ नहीं हो सकता। आप केवल बरगलाने बहकाने घुमाने में लगे, जुमले फेंकने में लगे, झूठ बोलने में लगे। बंद करिए झूठ की फैक्ट्री, बंद करिए झूठ की फैक्ट्री। चलिए बहुत टाइम दे दिया देवेंद्र प्रमुख दोनों को स्क्रीन पर एक साथ बोलने के लिए। प्लीज प्लीज, मेरा सवाल यहां है, यहां सपा बसपा कांग्रेस और बीजेपी बैठे हैं, आप सब कह रहे हैं, यहां जो और पैनलिस्ट हैं उनका कहना है भाई इस पर सख्त एक्शन होना चाहिए। तो भाई सभी तो तमाम पार्टियां बैठी है ना, आप लोग मान लीजिए कि होना चाहिए। अब उस पर भी सियासत, उस पर भी सियासत, ये लेवल हो गया सर अब सियासी पार्टियों का। फजील इस बात से सहमत होंगे और शायद संजीव कौशिक जी भी सहमत होंगे इस बात से कि जब जेएनयू में जो बवाल हुआ था, जो नारे लगे थे, उस दिन के रात के सारे चैनल्स आप उठा के देख लीजिए, सारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कार्रवाई की बात की थी कि ऐसे ये तत्व हैं, सरकार उनसे सख्ती से निपटे। और जब सरकार ने कार्रवाई की तो वही राजनीतिक दल के लोग उनके साथ आ गए। तो ये स्थिति है कि आज सारे लोग बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं और ये होनी भी चाहिए देश हित में। लेकिन कल आज मुकदमा दर्ज हुआ है और कल अरेस्टिंग होती है तो एएमयू पहले आंदोलन करेगा और इन्हीं राजनीतिक दल के लोग फिर समर्थन न करें, इस बात की यदि गारंटी हो है। तो है आप राजनीतिक विरोधियों को ठिकाने लगा के कानून का दुरुपयोग। मैं वही कह रहा हूं, इस मंशा के साथ बिल्कुल विरोध होगा। आप विधिक कार्रवाई करिए, साक्ष के साथ कार्रवाई करिए, कोई विरोध नहीं कर सकता, कोई भी राजनीतिक दल विरोध नहीं करेगा। और रही बात मैं अपने बसपा के साथी को बताऊं, मैं मेरे पार्टी की हिदायत है, मैं व्यक्तिगत कमेंट नहीं करता हूं, लेकिन आपकी पार्टी हाशियों में जाने के बाद बौखला गई है आपकी नेता और आप इसीलिए आप अनर्गल बयानबाजी करते हैं। कम से कम ख्याल रखें, राष्ट्रीय गरिमा को जलाएंगे, एमयू को जलाएंगे, आग लगाएंगे। हम देश में हैं, आप नहीं है। आप सारे इकट्ठे होकर समाजवादी पार्टी के नेता बार बार ये कह रहे हैं आज डिबेट में, क्या मीडिया को डर लगता है, क्या मीडिया को डर लगता है, क्या मुझे डर लगता है? अब सुन लो ना, आधा सेकंड, आधा सेकंड, वो भी पत्रकार है, मुझे डर लगता है। अरे सुन लो ना, आप सुनना ही नहीं चाहते। आपने जब उस जिसने बयान दिया उसके खिलाफ, उसके बाद जो जिसने बयान दिया उसके खिलाफ क्यों नहीं बोला आपने? किसके खिलाफ? संजीव कौशिक बोल रहे बिल्कुल दिया, कैसे नहीं बोला? अरे आप सुनना ही नहीं चाहते, आप सुनना ही नहीं चाहते। और दूसरी सही बात बोले अगर थोड़ा सा आप इसके अलावा कुछ है नहीं, आपके हो गया हो गया हो गया चलिए 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 हो गया। आप अपनी भाषा बोलवाना चाहते हो क्या? तुम्हारी भाषा बोलेंगे हम, तुम्हारी भाषा बोले हम, सपा की भाषा बोलेंगे हम किसी की भाषा नहीं बोलेंगे। भाजपा नहीं बुलवा पाई, राम जी हल्ला बोल करके नहीं बुलवा पाए, भाजपा से कोई मतलब नहीं है, हमें सपा से भी कोई मतलब नहीं है। जो सही बात होगी वो कहेंगे। ये कैसे कह सकते हो आप? बिल्कुल नहीं हो सकता। कौन कह रहा है? ये किसने कहा? संजीव बालियान ने भी गलत कहा, संजीव बालियान ने भी गलत कहा। आपको गलत लगता है? प्लीज आप कोई पॉइंट रखना चाह रहे हैं, वरना मैं फजील अहमद के पास एक सवाल लेकर जा रही हूँ। आप कोई पॉइंट रख रहे थे? जी हाँ, मैं ये कह रहा था जो बीच में बात ब्रेक हो गई थी कि ये छोटा बयान नहीं है, उस कॉलेज में जिससे संबंधित जुड़े हुए व्यक्ति जिसने कहा इतना गंभीर शब्द कहे हैं उसमें ध्यान दो। बेटी
और बेटे जो पढ़ने जाते हैं, युवा पढ़ने जाते हैं, दूसरे धर्म के भी बच्चे हैं, तो क्या मैसेज उन पे जाएगा? हम यहाँ लड़ रहे हैं, हम छोटी सी बात मान रहे हैं, उस रास्ते से निकलेंगे, कॉलेज में पढ़ेंगे, क्या मानसिकता बनेगी उनकी? ये बहुत गंभीर विषय है, हल्के में ना ले सभी पार्टियां, इस पर गंभीरता से लें, ऐसा ना हो दूसरी यूनिवर्सिटी में आग लग जाए, इसके दूसरी यूनिवर्सिटी में आग लग जाएगी। अगर आप, हम ये चाहते हैं कि आप इसमें सभी इसमें समर्थन करें, हाँ भाई ये गलत है, यहाँ बैठ के समर्थन करें या वहाँ पुलिस कार्रवाई करें, ये पुलिस कार्रवाई, पहले पुलिस कार्रवाई करें, नहीं कर रही, लेकिन विपक्ष उसमें साथ नहीं कर रही है, पुलिस किसने रोका है? सत्ता की कमजोरी है, एक्शन बहुत ही मजबूत होना चाहिए, और विपक्ष के चेहरे सामने आए इस विषय में। फजील अहमद, और जो मुसलमानों की बदनामी क्यों, सियासत चमकाने के लिए मुसलमानों की बदनामी क्यों बार बार हिंदू और मुस्लिम, क्यों बार बार हिंदू और मुस्लिम, क्यों अच्छी बात के लिए हिंदू मुस्लिम नहीं उठाते, क्यों कौमी एकता बात के लिए हिंदू मुस्लिम नहीं उठाते? फजील अहमद मुसलमान की बात कर रहे हैं, बहुत मुसलमान है, बहुत बढ़िया। आखिर ये मुसलमान कब तक ढाल रहेंगे आप लोगों की? मैं पूछना चाहता हूँ आपको, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं सपा बसपा कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूँ कि मुसलमान के पीछे कब तक चलेंगे आप? सवाल सुना भी, इस आवाज में, शोर में 80% लोगों का जिले पहुंचेंगे क्या? कब तक मुस्लिम को ढाल बनेंगे? इसी डिबेट में निकल के आ गया लास्ट में, फाइनल में, जब वो अरेस्टिंग होगी तो संजीव कौशिक जी कह रहे हैं कि क्या आप उनको पक्ष भी नहीं रखने देंगे? हाँ, संजीव चौधरी कह रहे हैं क्या वो मुसलमान, इसलिए कार्रवाई हो जाएगी? तो इसका मतलब जब किसी का वीडियो आ गया, जब किसी का, मैं ये कह रहा हूँ, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, जब वीडियो आने के बाद जो संवैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए, फांसी पर अटकाने की कौन बात कर रहा है? और लेकिन जब ही इसी डिबेट में आपने निर्णय कर लिया कि वीडियो के आधार पर हम फांसी पर ही लटका सकते हैं, और संजीव जी हमको दीछे चौधरी साहब कह रहे हो मुसलमान है इसलिए कार्रवाई होगी, तो हिंदू मुस्लिम तोड़ दिया, बस बस बस, फिर वही हो गया। मैं श्वेता जी बात कहना चाहूंगा, वही घूम फिर कर वही हम आ गए। कौशिक भाई ने अभी एक बात कही, फजील अहमद के बाद उसके रिएक्शन में जिन लोगों ने बोला उनके खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए था ना? नहीं होगी, उठा लिया गया है। एक मिनट देखो, एक मिनट सर, सत्ता के अगेंस्ट में बोलने के वजह से समाजवादी पार्टी को रोका है क्या? एफआईआर करने से संजीव बालियान के खिलाफ मुकदमा लिखाओ, समाजवादी पार्टी लिखाए मुकदमा। सुनिए कौशिक जी, अरे थाने में जाओगे तभी तो लिखा जाएगा, आप जाइए ना, फूंक दो, तोड़ दो, हाथ दो, क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई? बिल्कुल होनी चाहिए, अदालत में होनी चाहिए, खिलाफ भी पूरा एक्शन होना चाहिए, अब विपक्ष अगर हुई होती ना, अगर हुई होती जो इस तरह के बयान देते हैं और उसके बाद बयान वीर साहब, बिल्कुल ठीक था, यही हमें कहना चाह रहा था, तो आज ये हालत नहीं होती, तो बयान नहीं आता, लेकिन सभी पार्टियां हमाम में सब नंगे हैं, तो कौन कार्रवाई करेगा? हमाम में अगर सब नंगे रहेंगे तो कार्रवाई कौन करेगा? बात तो ये उठता है, सिर्फ यहाँ बोलने का प्रयास करते हैं, वहाँ पे प्रयास नहीं करते हैं। हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े, हम लोग को आदत है मुकदमा खाने की, जेल जाने की। भाई साहब समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है, इनकी सरकार थी जब उत्तर प्रदेश में, जिला पंचायत का इन्होंने निर्विरोध चुना लिया, 35-36 जिला पंचायत बना लिए। अरे पीछे अरे सुनिए ना, पीछे इनका चरित्र, चरित्र ठीक कह रहे हैं वो, कैसे बना रहे हैं सर, चरित्र पीछे मत जाइए। 2019 के बाद देश के मुसलमानों को भी सबके चेहरे सामने दिखने लगे, लोग अब महसूस कर रहे हैं कि कौन हमारा अपना है जो शाहीन बाग नहीं गया मिलने। भाई आज मुसलमान आपका अपना वोटर है, किसी वजह से झूठ या सच, अच्छा चाहे बुरा, किसी समस्या को लेकर शाहीन बाग में बैठा है, तो होना ना क्या, तो मायावती जी गई, ना राहुल राजनीति होती रहेगी, और मुसलमान को इस राजनीति के खिलाफ जो मुसलमान आज सड़कों पर खड़ा है, ये सारे सेकुलर नेताओं ने अकेला छोड़ दिया, मुसलमानों को अकेली लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। आज कहां है ये चेहरे खुल रहे, धुंधला अक्ष साफ हो रहा है, शीशा साफ हो रहा है, सबके चेहरे दिख रहे। अरे जो लोग शाहीन बाग क्या हुसैनगंज चौराहे पर नहीं जा सकते, लखनऊ में रह के अखिलेश यादव हुसैनगंज चौराहे आज तक नहीं गए, क्या मायावती जी वही लखनऊ में रह के नहीं गए? अब एक आखिरी बात है, आखिरी बात है, तमाम पार्टी के लिए एक, चलिए चलिए बसपा और कांग्रेस, एक मिनट देवेंद्र जी, हो गया, और आखिर सपा बसपा और कांग्रेस आपकी क्या इस बयान पर, एक मिनट देवेंद्र जी, एक मिनट
क्या इस बयान पर एक्शन, जो भी एफआईआर अभी हालांकि फाइल हुई है, लेकिन जब एक्शन लिया जाएगा तो जो बात संजीव कौशिक कह रहे हैं कि उन्हें भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि एक मुसलमान ने कुछ कह दिया तो उस पर तुरंत उस वीडियो के आधार पर एक्शन नहीं होना चाहिए। उन जैसे अभी संजीव बालियान में कह रहे थे देवेंद्र जी कि जोश जोश में वो ये बोल गए, तो उनको भी मौका दिया जाना चाहिए। तो क्या आप तीनों पार्टियां ये मानती हैं कि एक्शन होना चाहिए प्रॉपर तरीके से? क्या चाहते हैं आप? बहुत सही सवाल है। क्या चाहते हैं आप तीनों पार्टियां? यहां स्टैंड क्लियर कीजिए सर, ये जनता को पता चले। तो पहले एक एक करके संजीव चौधरी आप बताइए, फिर मैं धर्मवीर जी के पास जाऊंगी। उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो देश के टुकड़े। किस तरीके से कार्रवाई से आप सेटिस्फाई? कार्रवाई चाहते हैं, तुरंत मुकदमा दर्ज होना चाहिए उन पे भी जिन्हें बयान दिया, बयान के बाद जिन लोगों ने बयान दिया उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। होनी चाहिए ना, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए ना सर। उनका मौका नहीं दिया जाना चाहिए बिल्कुल, ताकि आगे 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 दिक्कत ना आ सके। धर्मवीर जी बेटा जी, इसकी जांच होनी चाहिए कि ये किसका आदमी है, कौन किसका मुखोटा है, कौन इसके पीछे खड़ा है। ये आरएसएस का आदमी है, बीजेपी का आदमी है, किसका आदमी है ये? और दूसरी बात श्वेता जी, दूसरी बात सुन लीजिए श्वेता जी, जो निर्दोष 20 लोग मारे गए उत्तर प्रदेश में, उनके ऊपर किसने गोली चलाई, उन पर आपराधिक मुकदमा करके जेल में डालना चाहिए, चाहे वो एसएसपी हो, चाहे वो थानेदार हो, चाहे वो सिपाही हो, जो निर्दोष लोग मारे गए हैं उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में। गोली तो तब भी चली थी मुलायम, और याद है सर, और, सरकार, और जो पीछे, जो जो लखनऊ लखनऊ विश्वविद्यालय में लखनऊ विश्वविद्यालय में योगी जी ने इस काले कानून को पाठ्यक्रम में शामिल कर रखा, जो सत्ताहत और संवैधानिक काम किया है उसकी भी बहुजन समाज पार्टी कठोर शब्दों में निंदा करती है। कठोर निंदा करने से नहीं होगा सर, आप क्या चाहते हैं? धर्मवीर जी ये बताएं, क्या बहन जी जितने लोग मारे गए किनके आ गई है घूमने के लिए? मैं तो वही कह रही हूँ, इनको आसान किया जा कर रही है। जरा आप अखबार उठा के पढ़ लिया करिए मुझे, और श्वेता जी आप बात चल रही है एक जगह बताओ, माननीय बहन जी के आदेश से इनके आदेश मत करो, खुद गई कि नहीं गई, मुझे खुद गई कि नहीं गई, बहुजन समाज पार्टी खुद गई कि नहीं गई, पीड़ित के पास पहुंचे हैं, खुद गई कि नहीं गई ये बताओ। विनोद एक मिनट, देवेंद्र जी सुन लीजिए, ये पार्टियां जो कह रही है ना सर, यही कार्रवाई अगर आप कर देंगे ना तो महान हो जाएंगे। एक मिनट विनोद जी, क्या कार्रवाई चाहते हैं सर? विधिक कार्रवाई कानून के अनुसार होनी चाहिए, लेकिन उसके पहले इनके जो संवैधानिक पदों पर बैठे बड़े बड़े नेता हैं उन पर कार्रवाई होकर एक नजीर पेश करनी चाहिए कि हम कानून के प्रति कितना कृतज्ञ हैं। दर्जनों नेता लगातार जो बयान आप लोग भी लीजिए ना सर, आप लोग भी लीजिए ना, नैतिकता की नैतिक जिम्मेदारी उसको प्रदर्शन करने का। देवेंद्र प्रमुख, सबने बोला कि विधिक तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो कार्रवाई कीजिए, इसके लिए आपको छूट है, लेकिन पहले कम से कम तमाम पार्टियां अपना आईना भी देख ले सर, अपना आईना देख लेगा, कार्रवाई होगी। पहले भाजपा के नेताओं पर मुकदमा होना चाहिए, अगर मुझे एक मिनट, जो लगातार ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं और उनको ऊर्जा मिलने का काम हो रहा है, निष्पक्ष कार्रवाई हम माने होगी, विशेषज्ञ बंधु निष्पक्ष कार्रवाई होगी। अगर मुझसे चाहता तो एक मिनट मुझे दे, संजीव बालियान जी ने जो बयान दिया है बस छोड़ दीजिए, वो बिल्कुल होश और हवास में दिया है, तमाम पार्टियां यहां बैठ कर कह रही हैं कि सियासत नहीं होनी चाहिए और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, तो सिर्फ इस पर ही कार्रवाई ना हो, तमाम पार्टियां अपने लीडर्स पर भी कार्रवाई करें जो इस तरह के बयानों को हवा देते हैं, तूल देते हैं और उसके बाद बयानवीर बन जाते हैं, खुद को एक दूसरे से बेहतर बयानों के स्तर गिरा के अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं, तो इन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी पॉजिटिव नोट के साथ इस चर्चा को यहीं समाप्त करती हूं, आप देखते रहिए R9 टीवी सिर्फ खबर के लिए। थैंक यू कौन से, अगर हम बर्बाद करने पाएंगे तो छोड़ेंगे नहीं, किसी भी देश को खत्म कर देंगे। एएमयू के अंदर जिस दिन 10% हमारे हिंदू भाइयों का एडमिशन हो जाएगा, जिस दिन आरक्षण मिल जाएगा, उस दिन इनकी सारी समस्या तुरंत खत्म कर दी जाएंगी। ये लोग देशद्रोही लोग हैं, ये देश के अंदर आतंकवादी की नसरी चला रहे हैं हमारे एएमयू के अंदर। इसलिए लागू होकर के रहेगा और देखते हैं कौन रोक लेता है।